पे आप देख सकते हैं मंदिर में आ गए फाइनली और यहाँ पे कुछ ऐसी रौनक है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। बहुत ही फेमस मंदिर है दुर्गा मंदिर, तो यहाँ पे काफी भीड़ है यहाँ पे मंदिर में। भीड़ देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा है, भीड़ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी और अभी आप देख सकते हो मैं रेडी वगैरह हो गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने गांव में और गांव किस रीजन से आए थे ये आपको आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा और मैं बताऊंगी भी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे लग रही हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक। तो गाइज आज मैं सुबह के 3 ही बजे उठ गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होना था और हम लोग को सुबह सुबह अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। आज मेरे भाई का जनेऊ है इसीलिए हम लोग गांव आए थे। मम्मी ने माना था यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, वहाँ पे हम लोग भाई का जनेऊ करवाएंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं गाँव। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसी दिन मैं गाँव आ गई थी। तो आज के इस ब्लॉग में आपको सारी चीजें मिलेंगी देखने को, क्या क्या कैसे कैसे जने होता है हम लोग में, तो ये सारी चीजें मिलेंगी देखने को। तो ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत ही मस्त सा ब्लॉग होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं सब लोग रेडी हो रहे हैं अभी। मैं तो सबसे पहले रेडी हो गई 3 ही बजे उठ के, तो आप भी देख सकते हो। और सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। अभी तो गाइस दिन में इतनी धूप हो जाएगी इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह ही सुबह निकल जाए और जल्दी से मंदिर में पहुंच जाए। यहाँ पे बहुत ही फेमस है दुर्गा मंदिर, बहुत लोग मन्नतें मांगते हैं, जो भी चीजें उनको करानी रहती है वहाँ पे करवाते हैं। मम्मी ने भी माना था कि भाई का जनेऊ हम लोग यहीं से कराएंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं पूरी फैमिली के साथ। और यहाँ पे काफी लोग है, पूरे रिश्तेदार वगैरह सब लोग आएंगे मंदिर पे, तो सबको आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे भाई को। भाई अरे आओ आओ देख लेते हैं आज तुमको बालों के साथ। तो आज इनका टकला हो जाएगा, मुंडन हो जाएगा, इनका जनेऊ होगा आज और बेचारा मेरा भाई टकला हो जाएगा। तो इसको तो चिढ़ाने का बहुत ही मौका मिलेगा और मैं चिढ़ाऊंगी भी इसको। तो ये देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए आज इनको, उसके तो टकले ही मिलेंगे ये। तो अभी ये उठ के टहल रहे हैं और लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगता है इसीलिए हम सभी लोग पहले ही उठ गए। आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है, गांव में सीन कितने अच्छे आते हैं, पेड़ पौधे हरा हरा पूरा रहता है। ये देखिए गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। और आप देख सकते हैं मेरे गांव का ये सीन कितना प्यारा सा सीन है, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही मस्त सा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे गाड़ी वाड़ी बुक हुई है, सब कुछ आएगी, ऑटो वगैरह सब कुछ, और जो भी गाड़ियां बुक हुई हैं सब आएंगी क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले के भी लोग जाएंगे, काफी सारी औरतें वगैरह आंटी लोग भी जाएंगी। तो सभी लोग को हम लोग गाड़ी में भर के सब लोग साथ ही में मंदिर निकलेंगे। तो जब मंदिर निकलेंगे गाइस तो आप लोग को दिखाएंगे। और हाँ, ये वीडियो कई पार्ट्स में आएगी क्योंकि एक वीडियो में आपको सारी चीजें दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए कई पार्ट्स में मैं छोटे छोटे ब्लॉग डालूंगी। तो आप लोग गाइस पूरे ब्लॉग को शुरू से देखिएगा और कई पार्ट्स में आएंगे तो आप लोग देखिएगा कैसे पूरे रस्म रिवाज होता है जनेऊ का पंडितों में। तो आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैं पांडे हूँ तो सारी रस्में गाना बजाना बहुत सारी चीजें होती है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस यहाँ पे दीदी भी रेडी हो गई और इनका मेकअप वेकअप मैंने किया है और इनकी साड़ी पहनाना बहुत ही मुश्किल था। इनकी जो साड़ी आप देख सकते हैं स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर करके इनकी प्लेटें बनाई है बड़ी मुश्किल से। तो आप देख सकते हैं ये हम दोनों बहनें कैसे लग रहे हैं। बाबू ये देखो, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दो बेटा, हेलो गाइस। बेटा क्या हुआ बता दो। तो बाबू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई यहाँ पे गाइस, खांसी वगैरह आ रही है तो अभी दवा ववा पी लिया है। पता नहीं क्यों घर में कोई फंक्शन होता है तो तबीयत खराब हो जाती है, अजीब सा लगता है थोड़ा सा। मम्मा की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। तो धीरे धीरे सब लोग रेडी हो रहे हैं और अभी मैं दूसरी साइड आ गई हूँ। बेटा गिर जाओगे।
तो गाइस अभी देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और ये गाड़ी आगे, बाकी दो तीन गाड़ी निकल चुकी हैं आगे ही, आधे लोग तो पहुंचने ही वाले होंगे मंदिर। और अभी इस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, बाबू बैठा है, दीदी बैठी है और अभी आधे लोग आ रहे हैं अंदर राजू से। की। चलते हैं मंदिर पहुंचते हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरा तैयार हो रहा, पसीना पसीना हो गया, इतना काम धाम पड़ गया। तो चलिए गाइस मंदिर पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर से निकल गए। ओह कितनी हवा चल रही है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते ही में है और काफी ज्यादा हवा चल रही है। तैयार हुए थे, अब कैसे हो गए? अब आधा दूर आ गए, बस आधा अरे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं इस जगह पे जहाँ पे जनेऊ होगा भाई का, और ये सीखा भी बहुत चुकी हैं। तो सभी लोग यहाँ पे आ गए, काफी सारे लोग आए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम होगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ मंदिर के पास और यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, और मेरे साथ यहाँ पे सीखा भी मिल चुकी है मुझे। देखिए एकदम तैयार व्यार होके भी आ गई है। तो हम लोग जा रहे हैं दोनों दर्शन करने मंदिर के, और उसके बाद आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा पहले दर्शन कर लेते मंदिर के, उसके बाद से फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा गाइस। कितनी दूर है मंदिर? बस इधर आगे चलना है। हाँ। तो गाइस रास्ता उतना पता नहीं है, काफ़ी टाइम बाद गाँव आए ना इसीलिए। तो गाइस अभी मैंने ये प्रसाद ले लिया, और यहाँ पे प्रसाद कुछ इस तरीके से मिलता है, तो ये मैंने प्रसाद ले लिया है। तो चलते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा देते हैं, दर्शन कर लेते हैं। सत्य गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल है, काफी ज्यादा भीड़ है इस मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोग को, बट आप लोग देख लीजिए ये मंदिर की यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ है, और इधर से हम करेंगे एंट्री। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर में आ गए फाइनली, और यहाँ पे कुछ ऐसी रौनक है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। बहुत ही फेमस मंदिर है दुर्गा मंदिर, तो यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से आपसे मिलते हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे मंदिर में, भीड़ देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा है भीड़, बहुत भीड़ है, बहुत ही हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं शादी भी हो रही है यहाँ पे दुर्गा मंदिर में, सब लोग ऐसे शादी भी कर लेते हैं। जी देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, मैं तो अभी तक लाइन में लगी हूँ, पूरा घूम घूम के आना है इधर पूरा, तब मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। मैंने ये प्रसाद लिया हुआ है अपने हाथ में। तो गाइस दर्शन वर्शन हो गया है हमारा, अरे यार तो और मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था तो हमने आपको दिखा नहीं पाए, बाहर से दिखा दिया। अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। तो मेरा तो दर्शन हो गया, फटाफट से चलते हैं जहाँ पे भाई का फंक्शन है वहाँ पे चलते हैं उस जगह पे, और आगे का आपको कार्यक्रम दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, आप लोग भी जरूर आइएगा यहाँ पे, जो भी मन्नतें मांगते हैं ऐसा खालसा की पूरा हो जाता है, तो मैंने भी मांग लिया है, और चलिए फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस मैंने आपको दिखाया दुर्गा मंदिर, और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आपको इस पार्ट में इतना ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आगे का जो भी हो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ गाइस।